हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एशिया कप खत्म हो गया है, भारत इसमें मैच जीत भी गया है, तो इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मैच हुआ, ऐसा लगा कि पलक झपकते ही खत्म हो गया। 50 रन्स श्रीलंका की टीम बना पाई थी और ऑल आउट कर दिया था इंडियन टीम ने श्रीलंका को, और उसके बाद फिर तो मैच था ही भारत के हाथ में। 10 विकेट से हराया इंडियन टीम ने श्रीलंका को फाइनल में टू विन देयर 8th एशिया कप टाइटल। तो ये भारत का कौन सा एशिया कप टाइटल है? 8th है, और अभी तक सबसे ज़्यादा टाइटल्स भारत ने ही जीते हैं। और मोहम्मद सिराज ने इसमें बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया। ही प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर्स ऑफ 6 for 21 टू बॉल आउट। अच्छा, ये फाइनल मैच हुआ कहाँ था? तो फाइनल मैच इसका श्रीलंका में हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं डिटेल। एशिया कप 2023 की 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच हुआ था ये मैच। 16th एडिशन है इसका। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा होस्ट किया गया। पाकिस्तान में 4 मैचेस हुए, श्रीलंका में 9 मैचेस हुए। चैंपियन इंडिया रहा, जिसका ये 8th टाइटल है। रनर अप है श्रीलंका। एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये मैच कंडक्ट करवाया जाता है। वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट है। टूर्नामेंट फॉर्मेट है राउंड रॉबिन और नॉकआउट। 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। 13 मैचेस खेले गए टोटल। मोहम्मद सिराज रहे प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव थे। मोस्ट रन्स शुभमन गिल ने बनाए, 302 रन्स। मोस्ट विकेट्स किसने लिए? मथीशा पथिराना, श्रीलंका के प्लेयर हैं। 11 विकेट्स इन्होंने टोटल लिए थे। अच्छा, यहाँ ये भी देख लीजिए, लास्ट एडिशन जो है 2022 में हुआ था, उसको UAE के द्वारा होस्ट किया गया था। इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात भी कर लेते हैं। तो ये इसका लोगो है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 सितंबर 1983 में। हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में। जय शाह इसके प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट पंकज खेमजी हैं। ओमान से रिलेटेड हैं, ये ओमान से बिलोंग करते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एशिया कप का पहला एडिशन हुआ था 1984 में, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल बना। उसके एक साल बाद 1984 में पहला एडिशन हुआ एशिया कप का। UAE में ये हुआ था और चैंपियन इसमें भारत था। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पहला कहाँ पर हुआ था एशिया कप? UAE में हुआ था, भारत इसमें जीता था। ODI और T20 फॉर्मेट था। इट अल्टरनेट्स एवरी 2 ईयर बिटवीन ODI एंड T20 फॉर्मेट। ठीक है, हर 2 साल में इस तरह से होता है कि एक साल ODI हुआ, नेक्स्ट ईयर T20 फॉर्मेट होगा, फिर ODI, फिर T20 फॉर्मेट। मोस्ट सक्सेसफुल टीम अभी तक की इंडिया है। 8 टाइटल्स हैं भारत के पास, ये जो जीती है भारत 8वां टाइटल है। सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है श्रीलंका, जिसके पास है 6 टाइटल्स। ठीक है, अगर ये जो मैच है इस बार का, अगर श्रीलंका जीत जाता तो टाइटल्स दोनों के बराबर हो जाते, 7-7 हो जाते इंडिया और श्रीलंका के। पर अभी भी इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल टीम इसमें बनी हुई है 8 टाइटल्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। When was the first edition of Asia Cup held? पहला एडिशन कब हुआ? 1984 में हुआ। 83 में एशियन क्रिकेट काउंसिल स्टेब्लिश हुआ था। 84 में पहला एडिशन हुआ कहाँ पर? UAE में। चैम्पियन इसमें था इंडिया। In which country was the Asia Cup 2023 held? कौन सी कंट्री में हुआ? श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के द्वारा इसको किया गया होस्ट। लास्ट ईयर 2022 में कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था। और फाइनल मैच इसका, जैसे मैंने बताया भी था, कोलंबो श्रीलंका में इसका फाइनल मैच हुआ था। विच एडिशन ऑफ एशिया कप वॉज हेल्ड इन 2023? एडिशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। एशिया कप का 16th एडिशन 2023 में किया गया है। 14th एडिशन 2018 में UAE में हुआ। 15th एडिशन 2022 में UAE में हुआ। और 16th एडिशन इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर होस्ट किया। ठीक है, फिर विच टीम वन द एशिया कप 2023 टाइटल? कौन सी टीम जीती है? इंडिया जीती है, इंडिया का 8th टाइटल है। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में जीती है। वाइस कैप्टन में हार्दिक पांड्या और कोच राहुल द्रविड़ थे। हु बिकेम द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ द एशिया कप 2023? मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहे? मोहम्मद सिराज। 16 बॉल्स पर 5 विकेट्स इन्होंने लिए, और ये इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है क्रिकेट हिस्ट्री में। फास्टेस्ट ये रहे हैं इस तरह से 5 विकेट्स लेने वाले इतनी कम बॉल्स पर। हु बिकेम द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन एशिया कप 2023? प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें कुलदीप यादव हैं। हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन द एशिया कप 2023? इसमें कैप्टन बनाए गए थे रोहित शर्मा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम, बांग्लादेश के शकीब अल हसन थे, अफगानिस्तान के
हशमतुल्ला शाहिदी, श्रीलंका के दासुन शनाका और नेपाल के रोहित पौडेल। तो ये सारे कैप्टन्स हैं जो याद रखने इम्पॉर्टेंट हैं। इन विच फॉर्मेट ऑल द मैचेस आर प्लेड इन एशिया कप 2023। तो 2023 का जो एशिया कप हुआ है इसमें सारे मैचेस वन डे क्रिकेट फॉर्मेट में खेले गए हैं। 2022 में जो था वो T20 फॉर्मेट था, जैसे बताया ना अल्टरनेट ईयर पर T20 और ODI खेला जाता है। विच टीम हैज़ वन द एशिया कप द मोस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा बार इंडिया जीती है एशिया कप 8 बार, श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान 2 बार। एशिया कप इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय, एशिया कप ऑर्गेनाइज किया जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, तो बी करेक्ट है यहाँ पर। हेडक्वार्टर है इसका कोलंबो श्रीलंका में, प्रेजिडेंट हैं जय शाह। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हमने एशिया कप 2022 का रिविजन यहाँ पर करना है। तो एशिया कप 2022 में जो हुआ वो 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच हुआ, उसका एडिशन 15th था। और 2022 में कौन सा फॉर्मेट था, T20 फॉर्मेट खेला गया था, UAE में हुआ था, श्रीलंका चैम्पियन था उसमें। श्रीलंका का 6th टाइटल 2022 में ही श्रीलंकाने प्राप्त किया था, उसमें रनर अप था पाकिस्तान। स्पॉन्सरशिप किसके पास थी, DP वर्ल्ड के पास, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको एडमिनिस्टर करता है। T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट था इसका, राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट टूर्नामेंट फॉर्मेट तो सेम ही है। 6 पार्टिसिपेंट थे, 13 मैचेस हुए थे जो अभी भी हुए हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज उसमें वनिंदु हसरंगा श्रीलंका के प्लेयर थे। मोस्ट रन्स बनाए थे मोहम्मद रिजवान ने 281 और मोस्ट विकेट्स भुवनेश्वर कुमार ने लिए थे 11 विकेट्स, ठीक है। और लास्ट एडिशन 2018 का वो कहाँ पर हुआ था, UAE में हुआ था। अब लास्ट में है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इन विच कंट्री विल द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड, 2022 की ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, UAE, इंग्लैंड। आंसर बताना है इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।